हे गाइस टेक मंडावी यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज मैं इस वीडियो में आप लोग को एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ दोस्तों, तो शुरू से पूरा लास्ट तक जरूर देखे। तो फाइनली दोस्तों डिज्नी इंडिया की तरफ से जो है ये बात कंफर्म कर दिया गया है कि मलिफिसेंट मिस्ट्रेस ऑफ एविल मूवीज हमारे इंडिया के अंदर हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और जिन लोग को जो है इस मूवी के बारे में डाउट था कि ये मूवीज हमारे इंडिया के अंदर हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होगा या फिर नहीं होगा, तो उन लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि ये मूवीज 100% हिंदी में ही रिलीज होगा। इस बात को कंफर्म किया है खुद डिज्नी इंडिया की तरफ से। कुछ दिन पहले इस मूवीज के बारे में ट्वीट करके बोला है अपने ट्विटर अकाउंट पर कि ये मूवीज जो है हमारे इंडिया के अंदर दो लैंग्वेजेस में रिलीज होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश। और तमिल तेलुगु के बारे में कोई भी अभी कन्फर्म नहीं दिया गया है। शायद ये मूवीज जो है दो ही लैंग्वेजेस में ही रिलीज होगा, हिंदी और इंग्लिश में, तमिल तेलुगु में रिलीज नहीं होगा। और इस मूवीज़ की फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करूं तो फर्स्ट पार्ट के बारे में कोई भी कंफर्म अपडेट तो नहीं है, लेकिन कुछ जो है अनऑफिशियली अपडेट ये है कि ये मूवीज़ जो है टीवी पर आ सकता है एक वीक पहले, मतलब कि 18 अक्टूबर को जो है इस मूवीज़ का सेकंड पार्ट रिलीज हो रहा है मलिफिसेंट मिस्ट्रेस ऑफ एविल, उसके एक वीक पहले जो है टीवी पर आ सकता है डिज्नी के टीवी चैनल्स पर। और ये जो है एक अनऑफिशियली अपडेट है, तो पूरी तरह से कन्फर्म नहीं है, और ऑफिशियली अपडेट आने के बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों इस मूवीज़ का जो है फर्स्ट पार्ट जरूर हिंदी में आएगा टीवी पर, डिज्नी के टीवी चैनल्स पे, क्योंकि जो है इस मूवीज़ को सेकंड पार्ट को प्रमोट करने के लिए डेफिनेटली इस मूवीज़ को जो है डिज्नी चैनल्स अपने टीवी चैनल्स पर प्रीमियर जरूर करेगा हिंदी में। तो यही था मेरा आज का वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ से अभी कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद।